हाइट और साइज में तो वर्टिकल हाइट और क्या टाइम ऑफ लाइट बता दिया सर, कल बताया गया था क्वेश्चन इलाज दिया गया था, एक हमने निकाला था
आपकी आंखों करने के लिए बोला गया था। ठीक तो सबसे होता है वही होता है उसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है एड भी चाहिए। ठीक है, अरे उसको नोट कर लीजिए, एक
और दूसरे को हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस कितने पे थीटा पे मिलेगा। ठीक, तो उस केस में देखा जाता है दोनों के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लेंथ को मिला लेता है सेम से मिलता है। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल लेंथ की वैल्यू दोनों के लिए क्या होती है सेम सेम आता है। ठीक है, बट वर्टिकल हाइट अगर इसके लिए हम लोगों ने h1 मान लिया और इसके लिए जो आपका है ठीक है वो कितना है h2 ले लिया। ठीक, h1 ले लिया और दूसरा कितना ले लिया h2 ले लिया। तो उस कंडीशन में क्या रेशियो कैसे आता है इसको आप देख लो। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओगे थीटा की वैल्यू क्या करेंगे बढ़ाएंगे वैसे से वर्टिकल हाइट की वैल्यू भी हमारे बढ़ती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जब लेंथ की हम पहले बात करते थे तो R1 मान लो पहले आपका R2 है R1 की वैल्यू होगी आगे तक तो क्या होगा वी स्क्वायर साइन कितना साइन जी पहले थीटा लिया दूसरा होगा यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई कितना जी। ठीक, जो कॉमन फैक्टर काट दिया कैसे यू स्क्वायर बाई जी यू स्क्वायर बाई जी कर दिया ये हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू ये क्या होगा साइन 2 मतलब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा 90 माइनस थीटा कॉस होता है 180 माइनस थीटा साइन होता है। तो यहाँ पे हो गया देखिए साइन ये 2 थीटा हो गया 2 थीटा इक्वल टू क्या ये भी क्या रह गया साइन 2 थीटा। तो वैल्यू हमारे दोनों साइन का क्या हो गया बराबर बराबर देन इस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप थीटा 90 माइनस थीटा क्योंकि हमने स्टेटमेंट के बेस पे किया अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि साइकिल पे फेंका जाए कि दोनों के लिए क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ बराबर हो तो एक बार थीटा 1 ले लेना दूसरे क्या ले लीजिएगा थीटा 2 तो ले लीजिएगा वहाँ से इक्वेट करेंगे थीटा 1 थीटा 2 के रेशियो मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा होता है कि हम लोग h1 और h2 निकालेंगे क्या करेंगे h1 और h2 दूसरे को सेकेंड पार्ट है रेशियो h1 h2 h1 के लिए फार्मूला लिखेंगे बाबू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बार 2 जी अपान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस थीटा अपान कितना 2 जी। देखो जो कैंसिल होने वाला है यहाँ पे भी कैंसिल कर लेते हैं तो यू स्क्वायर गया 2g गया बेटा ऊपर आया कितना साइन स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा h1 अपॉन h2 का जो वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा h2 क्या अब नीचे नहीं कुछ बता हमने मान रखते मान रखते थे कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं वैल्यू बढ़ी रहेगी क्योंकि हमें रेशियो निकालना था इसलिए हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इसको कितना हो गया 1 आ गया। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है अगर दो बॉडी को सेम एलास्टिक से और हॉरिजॉन्टल से थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके हॉरिजॉन्टल लेंथ की वैल्यू जो होगी वो तो सेम होती है। इसका लेंथ क्या होता है सेम होता है वर्टिकल हाइट के रेशियो होते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 के बराबर। ठीक है, जो भी रहेगा वहाँ पर रख दीजिएगा वैल्यू आपको मिल जाएगा फोटो बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे नोट कर लीजिए। Thank you.
ठीक है। तो u1 square sin 2 theta 1
टू थीटा वाला मान कितना जी अपान यू टू स्क्वायर साइन टू थीटा टू बाई कितना जी देखो जी जी तो फिर आना हमारा कैंसिल हो जाएगा ये तो नहीं है और लेवल की वैल्यू कितनी दी है टेन तो टेन का स्क्वायर इंटू साइन पहला थर्टी कितनी है थर्टी है तो थर्टी टू का कितना हो गया सिक्सटी साइन सिक्सटी अपान ट्वेंटी का स्क्वायर और साइन कितना सिक्सटी टू जा वन ट्वेंटी हो गया ठीक अब देखो हंड्रेड साइन सिक्सटी की वैल्यू टू थ्री बाई टू अपान टू हंड्रेड और साइन वन ट्वेंटी की वैल्यू Thank you.
attained by the ball. आंसर ऐसा है, डाटा इज इनसफिशिएंट, डाटा सफिशिएंट नहीं है. चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
का क्वेश्चन है कि किसी बॉडी को दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करने को, ठीक है, उनके द्वारा सेम इलाके से प्रोजेक्टल लेंथ सेम है। हम लोग अगर आते थे इक्वेशन लिखा कि अगर 90 और माइनस 90 थीटा और 90 और थीटा फेंकते तो प्रोजेक्टल लेंथ सेम आता है। तो उसके स्पिन का कारण क्या है कि एक को थीटा पे फेंका बेटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका, तभी लेंथ सेम होगा। अगर सेम इलाके से आप फेंक रहे हो तो लेंथ की वैल्यू केवल और केवल उसी कंडीशन में सेम होता है जब थीटा 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, एक को थीटा पे फेंके दूसरे को 90 माइनस थीटा, तो वो भी सेम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों आगे पे देने वाला मतलब कैसा हो सेम से। तो इसके लिए अगर सपोज एक आपका एच वन है और इसकी हाइट हमारी कितनी है एच टू है, तो हमें ये प्रूव करना था बेटा कि आर की जो वैल्यू होगी फोर रूट एच वन इंटू एच टू, यही भी है ना, यही है आप किसको सर इस
स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को निकाल लेंगे दो बार, साइन स्क्वायर में साइन को बाहर ले लेंगे, कॉस स्क्वायर में कॉस को बाहर ले लेंगे, टू जी टू जी है टू जी को बाहर ले लेंगे, फिर ये फोर है तो टू जी से टू जी टू बार जाएगा, फिर ये आ जाएगा टू यू साइन स्क्वायर टू यू साइन थीटा जी कॉस थीटा बाय जी, ये बराबर। चलिए देखिए बेटा, कैसे करें, बस क्या करिए, आप रख दीजिए क्वेश्चन जो आपका होता है इसके लिए और इसके लिए हाइट के लिए, अभी आप देख साइड कर लिए दूसरा अपडेट करें और दोनों रख के बराबर कर लीजिए, बात नहीं आती है ठीक है, चाहे दोनों का क्वेश्चन रखें इक्वल बराबर मैच कर जाना चाहिए, या एक साइड का रखो एक साइड का रखो दूसरे साइड का जो फार्मूला होगा उसके बराबर आना चाहिए, तो भी आपका हो जाएगा। मान लो हमने कह दिया हम रख देते दोनों साइड का, दोनों साइड का रखोगे तो दोनों बराबर अगर आता है तो ये तो सही है, लेकिन नहीं आपका है या मान लो आपकी वैल्यू है सपोज बाल एंड ड्रॉप इमेडिएटली एंड ड्रॉप
collide with the wall and drop immediately. Then calculate maximum height attained by the ball and maximum height attained by the ball and total time taken by ball total time taken by ball to reach the ground. प्रोजेक्ट करने के बाद टोटल कितना क्या रहेगा, टाइम रहेगा उसको ग्राउंड पे आने में। ऐसे समझ लो, सपोज ऐसे ही मान लो बाल है, हमने बेटा इसको प्रोजेक्ट किया, हाइएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ से गया नीचे आ गया, मतलब टकरा के फिर प्रोजेक्टाइल के पास नहीं कंप्लीट कर रहा, वहीं से सीधे ड्रॉप कर गया। तो यहाँ से टेकने के बाद वहाँ जाने और यहाँ आने में टाइम टेकन कितना होगा और जो हाइट वो अटेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों आपको निकालने। हाइट अटेंड क्या करेगा और टाइम टेकन की वैल्यू क्या होगी, दोनों चीज़ें निकल रही। हाइट में सबका 5 मीटर आ गया, आपको टाइम निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो
से आपने प्रोजेक्ट किया और ये पर्टिकुलर हाइट तक गया, यहाँ पे देखा एक वाल था, देखा क्या था, एक वाल था, इस वाल से बाल आपका टकराया और फिर लौट आया कहाँ पे, ग्राउंड पे, आइए इस पॉइंट पर गया, एक वाल से टकराया और लौट आया कहाँ पे, ग्राउंड पे, कंप्लीट को देखा है कंप्लीट नहीं किया और आपका जो प्रूफ किया जा सकता है बोला गया था यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम इंटरवल होता था जो साइन की दवाई जी होता था, की वैल्यू भी यू साइन थीटा बाय डी यानी टाइम थीटा बाय बार यानी मिल गया टाइम टेकन बाय बार टू रीच हाईएस्ट पॉइंट टू रीच हाईएस्ट सर्कल हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में उसका टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय बार टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये होगा बेटा की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी और यू की वैल्यू है 20, साइन की वैल्यू हो गया 1/2, कितना साइन कितना 30 डिग्री हो गया 1/2 / 10, 1 0 कैंसिल 2 2 1 यानी 1 सेकंड को आपको ये टाइम मिल गया, 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट तक गया। अब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का बाद ये यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक T1 है, ये टाइम मैंने T2 दे दिया, टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम क्या हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से उसे फॉल करने में कितना टाइम आएगा, टी इक्वल टू हो सकता है 2h/v, अरे ऐसी करके यूट्यूब पर था जिन्हें शायद पढ़ते हैं उसी को से कुछ सिंप्लीफाई करें, टी इक्वल टू 2h/v आता है, तो रूट टू एच की वैल्यू 5, जी का मान 10, 10/10, रूट 1 का वैल्यू 1, तो टाइम भी 1 सेकेंड T2 हो गया और T1 1 सेकेंड, टोटल टाइम टी की वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस कितना T2, ये आ गया 1 + 1 होगा 2 सेकेंड, आप इसलिए निकाल रहे हैं बताएंगे होगा अभी लक्षण आने देते हो।
जीरो तीन है
फैक्टर जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया एच। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो एच समान टी और हो जाएगा रूट में, समझ जाएंगे कि उससे बढ़ाए नहीं सर डायरेक्ट। तो ये होगा जब टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ रही तो टी की वैल्यू का कथन किया जाता है, टी की वैल्यू आ जाएगा रूट टू एक्स वाई। ये टाइम टेकन इस कंडीशन में होगा, इस टाइम टेकन की वैल्यू जो आएगी टी इक्वल टू रूट टू एच वाई जी। यहाँ मतलब क्या है कि ये भी टाइम वेरीफाई थीटा वाई जी के बराबर ही आता है अगर थीटा आई कर लेते हैं तो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इतने टाइम में ये क्या करेगा इस पोजीशन से चल के इस पोजीशन पर ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन होता है हमारा बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो हमारा है एक्स की वैल्यू आएगी यूएक्स इंटू टी, यूएक्स इंटू कितना टी, यूएक्स की वैल्यू है यू और टी की वैल्यू बेटा रूट टू एच बाई जी। तो यहाँ से हम अगर आपको यू की वैल्यू दी गई है, हाइट दी गई है, तो इस फार्मूले का यूज करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूरी पे जाके आपका ये गिरेगा वो निकाल सकते हैं। अब देखो कितना दूरी पे गिरेगा ये डिपेंड कर रहा है किस पे, उसकी वेलोसिटी पे, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, जितना हाइट ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके क्या करेगा गिरेगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से डिस्क्राइब करते हैं कि हमें कहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं और हम किस हाइट और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हो गया, तो ये हो गया एक्स की वैल्यू एक्स इंटू टी, एक्स की वैल्यू यू इंटू रूट टू एच वाई जी हो गया। तीसरा इस पोजीशन पे जब पहुंचेगा बेटा इसकी वेलोसिटी रिजल्टेंट कितनी होगी ये निकालना है। तो हम लोगों ने कल के डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंस क्या होती है कांस्टेंट है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू वी एक्स की वैल्यू होगी वो यू के बराबर ही रहेगा, बट जब यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप करेगा इसको एक डाउनवर्ड वेलोसिटी वी वाई मिलेगी और वी वाई की वैल्यू कितना आएगा टू जी एस, अरे हमको यहाँ पर करोगे ना तो वी वाई पर वी वाई स्क्वायर प्लस टू होगा यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच, यू वाई की वैल्यू कितना वी वाई यू प्लस जी एस होगा टू जी एस होता है ना, ठीक। वी का टू यू प्लस वी स्क्वायर का प्लस टू जी एस, टू जी एस लिखते हैं वही बड़ा है, तो ये हो गया वी वाई स्क्वायर अपने फॉर्मूला लिखिए हैं, अब इतना कर लीजिए क्वेश्चन करके आइएगा तो बाकी